तो इस वीक मैं कोई भी वीडियो या व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि फ्राइडे को मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा था कि मैं काफ़ी सारे प्लान थे कुछ करना था, बट फ्राइडे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। वो ये हुआ कि फ्राइडे नाइट को मेरी दादी एक्सपायर हो गई, तो उस वजह से मतलब हम ज़्यादातर वहीं पे रहे तो हम ब्लॉगिंग या कुछ भी नहीं कर पाए। तो काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि मुझे यही करना है, और जितने भी लोग देखते हैं मुझे लगता है कि उनसे मेरे कोई लिंक है या जो भी चीज़ें हैं, तो आप उन्हें पता होनी चाहिए कि मैं किस वजह से नहीं कर पाया। तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। अभी फ़िलहाल हम हैं गढ़गंगा में, हम वहाँ पर हैं क्योंकि हम उनका करने आए हैं पूजा यहाँ पे। तो फ़िलहाल का सीन ये है कि अभी हमारा हो चुका है मतलब पूजा पाठ हो गई है और नहाना बाकी है, अब नहाना कर रहे हैं। तो यहाँ सब हैं अभी, तो अभी बस नहाएंगे और फिर देखते हैं। तो अभी पापा और चाचा नहा रहे हैं, मैं नहीं गया क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। और वहाँ पे जो है वहाँ पे एक बीच है, बट वहाँ हम नहीं गए क्योंकि वहाँ एक तो बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है और दूसरा यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई नहीं हुई। पहले बहुत टाइम पहले हम आए थे जब यहाँ पे, तो वहाँ पे उतनी सफाई नहीं थी, तो इस वजह से हम वहाँ नहीं जा रहे, अभी यहीं पे कर रहे हैं। अबे ठंडा है बहुत। अरे बहुत ठंडा है। अब तो ठीक लग रहा है, पहले पहली बार में ठंडा लगा था, नहीं लगा बाहर क्या, तो पैर सुन्न हो गए थे। तो अभी फ़िलहाल हमारा हो गया, मैंने मतलब ज़्यादा सर्वर नहीं दबाया क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो अभी सबका हो गया नाना, मम्मी पापा नहा रहे हैं। फिलहाल का सीन ये है कि नाना धोना हो गया, सब कंप्लीट हो चुका है, अब सब कपड़े बदल रहे हैं। मैंने ये कुछ पजामा डाल लिया, फ्री फ्री सा फील हो रहा है। तो फ़िलहाल की कहानी है कि मतलब पूजा पाठ हो गई है और सारा कुछ जो करना था वो सब हो गया, नहाना भी हो गया। मम्मी अभी वहाँ बैठी हैं कुछ खाने वाने के लिए, हम जा रहे हैं मतलब कुछ खिलाना पड़ता है कन्याओं को, तो उसके लिए वो करते हैं पहले। बेसिकली यहाँ वैसे ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, है वैसे जैसा हरिद्वार है उसी टाइप की जगह है, जैसे वो रहा घंटाघर। तो अभी बस यहाँ पे कन्याओं को खिलाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पूजा पाठ की ज़्यादातर जगह यहाँ पर ऐसी आते हैं। अंधे घोड़े देखे हैं कभी? ये देखो, ये मतलब गाड़ी राइड खड़ी कर रखी है और उल्टे रोड पे चला रहा है बेवकूफों की तरह, कोई दिमाग नहीं। साले ऐसे बंदों से तो सेफ रहो। ये देख रहे हो, ये नई गाड़ी का बेवकूफों की तरह मतलब कोई दिमाग नहीं, कुछ नहीं, और क्या ही बोलूँ यार, मतलब अंधे घोड़े की तरह मत चलो। साला अभी तो बच गए, कुछ नहीं हुआ, पर क्या बोलूं, मैं दिमाग खराब कर रखा है बस। कहानी ये हुई कि मतलब हम आराम से अच्छे खासे आ रहे थे अपना काम सारा कंप्लीट करके, और एक फ्लाईओवर के नीचे से मतलब
हमारी स्पीड ज़्यादा नहीं थी और वो वैसे भी हमने टर्न लिया था फ्लाईओवर के नीचे से। तो ये जो मैंने क्लिप डाली, मतलब हम आराम से मतलब सिंपल तरीके से मुड़े और बीच वाली लाइन में हम सेंटर लाइन में चल रहे थे। मम्मी साइड थी और मैं स्पीड वगैरह में कुछ नहीं था, सही से चल रहा था। एक बेवकूफ़ अंधा घोड़ा साला बेवकूफ़ साइड में से शॉप में से कुछ सामान ले रहा है, मेरी बीच में गाड़ी जा रही है, आगे निकल गई है और वो साइड में से मतलब घुमाते हुए राइट साइड में अपने आप ज़बरदस्ती घुसे जा रहा और ठोक दी साड़े ने, और गलती भी नहीं मानने को तैयार। हमारी गाड़ी आगे निकली हुई, अगर मैं ठोकता तो पीछे से ठोकता, बट ये आराम से चलते हुए आ रहे हैं। यार पहले भी बोला मतलब इतनी बेवकूफ़ी मत करो, और रोड पे तुम अकेले नहीं हो, किसी और का नुकसान हो जाता है, क्योंकि बड़े ही मुश्किल से ले पाए हम गाड़ी ली है और एक अच्छे से चला रहे हैं हम, सेफ तरीके से चला रहे हैं। वो भी सेंटर रोड पे चढ़ रहा हूँ मैं, मतलब साइड से शॉप से सामान लेके, वो ज़बरदस्ती बंदा इस साइड को मोड़ के घिस के गलती भी नहीं मान रहा कि गलती मेरी है कि मुझसे गलती हो गई। एक हो जाता ना कि हाँ मेरे से गलती हो गई या मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, वो हमारे ऊपर ही डाल रहा है, तुमने ठोके, मतलब हम ठोकेंगे तो हम आगे से ठोकेंगे, साइड से कैसे ठोक देंगे यार गाड़ी को। यार बेवकूफ़ होता है ना साड़ा, उनका कोई क्या ही कर सकता है। अगर यार मतलब कहीं भी हो ध्यान से चलाओ, क्योंकि हर बंदा ना बहुत अमीर नहीं है, ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ भी हो, बट हर बंदा बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, कई लोग बड़ी मुश्किल से कुछ चीज़ें ले पाते हैं और दिल पे लगती है यार कोई नुकसान होता तो। अभी तो वैसे ही हम ऐसा कुछ करके आ रहे हैं, अभी वैसे ही हम थोड़ा टेंस्ड थे, आराम से आ रहे थे, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल तरीके से, उसमें भी ये सब चीज़ें हो गई अचानक से, तो यार बड़ा दर्द होता है, बहुत दुख होता है। अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, दूसरे का भी रखो यार, रोड पे हो तो तुम्हारी मतलब सबकी बनती है। अगर हम रोड पे निकल रहे हैं अपने और अपने साथ आजू बाजू जो भी चल रहे हैं उनको ध्यान से देखें, थोड़ा यार अंधे घोड़ों की तरह मत चलो साला, बेवकूफ़पंती मत करो, चूतियापंती में कुछ नहीं रखा, नुकसान ठीक नहीं होता यार, बेकार लगता है। अभी मतलब दिमाग भी ऐसा था, ऊपर से ये सब जो और दिमाग सा ख़राब हो रहा है देख के, क्योंकि मेहनत की चीज़ है, क्या करें यार साला, बेवकूफ़ होगी ना कमी नहीं है दिल, अगर यहाँ ढूंढने निकलो ना एक को तो साला दूसरा हाथ ऊपर कर करके बोलता है भाई आप मुझे नहीं देखा, मुझे नहीं देखा, मुझे नहीं देखा, क्या करें। तो हम कल घर आ गए थे और मैं वीडियो एंडिंग नहीं कर पाया था क्योंकि हम फ्राइडे नाइट से जगे हुए थे और कल वैसे इतना ज़्यादा वो रास्ते में भी गाड़ी में लग गई तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, तो समझ नहीं आ रहा था और थके हुए थे, खाना भी नहीं खाया हुआ था सुबह से, तो सो गए थे हम आके। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी है, अगर कोई भी है जान पहचान के दुश्मन या जैसे भी लोग हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब लाइफ में उनका मत करो कि जैसे कुछ है, अगर तुम चाहते हो किसी से बात करना या पूछना कुछ तो पूछ लो, क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं, एकदम से मतलब कोई भी इंसान चला जाता है और ना कभी दिखता है, ना आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी, ना कभी आप मतलब पता नहीं फिर कैसे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे कभी भी, मतलब एकदम से ख़त्म ही हो जाती है, एंड हो जाता है। और उस एंड की दिक्कत ये है कि उस एंड की कोई दोबारा कंटिन्यू नहीं हो पाएगा वो, या फिर उसका कोई पार्ट नहीं हो पाएगा, एक बार जो चला गया वो चला ही जाता है, फिर काफ़ी चीज़ें माइंड में दिमाग में रह जाती है और करना चाहते हैं कई चीज़ें वो नहीं हो पाती, बहुत अफसोस होता है। तो इस वजह से मतलब अपनी लाइफ जैसी भी है उसे ढंग से जियो, और किसी के लिए कोई हार्श फीलिंग या कुछ ऐसा माइंड में मत रखो, अगर कोई बुरा भी करता है तो हाँ हो गया ख़त्म करके अपना आगे बढ़ो, उससे चाहे लिंक मत रखो या कुछ भी ऐसा, क्योंकि जब कोई चले जाता है तो बहुत चीज़ें फील होती है, बहुत चीज़ें याद आती है, बहुत चीज़ें समझ आती है। और ऐसा ही नानी के टाइम भी हुआ था, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उन्हें गए हुए, और अब दादी का हुआ, तो बहुत ज़्यादा फील होता है, अजीब सी फीलिंग रहती है। बेसिकली ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया था कि आपको पता चले कि मेरी लाइफ में अभी थोड़ा सा ये फेज चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें ऐसी हो रखी है मैं सब। तो अभी बस यही है कि क्या ही बोलूँ, बाकी अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, स्ट्रीट एनिमल्स का ध्यान रखें, और किसी के लिए कोई हार्श फीलिंग माइंड में ना रखें, जो भी है जैसा भी है अपने आप को फ्री रखें और ठीक से अपनी लाइफ जिए, क्योंकि एक बार ये एंड हो जाती है तो बॉस फिर नहीं मिलती। और इसमें राघव सियाल साइनिंग ऑफ राइट नाउ, सी या।